हे गाइस वेलकम बैक अगर नए वीडियो में। एक देखो गाइस आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा वन टैप मैं मार रहा हूँ। ठीक है देखो आप लोग ये पहले वन टैप देख लो क्या ये लग रहा है गाइस। ठीक है एक मैं मोबाइल प्लेयर हूँ एंड इतना बढ़िया वन टैप मेरा लग रहा है। आप लोगों का भी ऐसे वन टैप लगेगा। ठीक है अगर आप लोग चाहते हो ना कि ऐसे नॉर्मल वन टैप मारना सो गाइस मैं यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई कार्ड पर जो वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ आप लोग जाके देख लो। ठीक है तो वन टैप आप लोग सीख जाओगे। अगर आप लोगों को ऐसा वन टैप नहीं मारना है आपको कुछ एप्लीकेशन चाहिए जैसे आपका डिवाइस लो है आप खेल नहीं पा रहे हो तो आप यहाँ बैकग्राउंड पे देख सकते हो गाइस जो एप्लीकेशन चल रहा है ना इसको आप यूज़ करके बहुत हद तक जो है हेडशॉट मार सकते हो। ठीक है मतलब बिना कुछ किए ही आप थोड़ा बहुत सिर्फ प्रैक्टिस करोगे ना तो आप जरूर से जरूर हेडशॉट मार पाओगे। ये वाला एप्लीकेशन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा एक बार ट्राई करके देख लेना। देख सकते हो इसमें बहुत कुछ जो है फैसिलिटी आपको दिखाई दिया होगा तो गाइस आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए क्योंकि गाइस हर बंदे के पास तो आईफोन ROG वगैरह फ़ोन अच्छा अच्छा फ़ोन तो नहीं रहता ना तो इसी के लिए एप्लीकेशन आप यूज़ करके एक बार जरूर देख सकते हो। इससे आईडी बैन नहीं होता है ये प्ले स्टोर पर ही आपको मिल जाएगा। पूरा आपको डाउनलोड करके मैं इसका पूरा सेटिंग दिखा दूंगा तो वीडियो पूरा देख लेना तभी आपको समझ में आएगा नहीं तो आप आधा अधूरा देख के जाओगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा फिर बाद में बताना। तो दोनों के लिए मैं बता दिया अगर आपको डायरेक्ट वन टैप ही सीखना है ट्यूटोरियल तो यहाँ पर आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा जाकर देख लो। अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो आप वीडियो को आगे देखो और भी ठीक है यहाँ पर इसे आपको मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले अपने मोबाइल को जो प्ले स्टोर पे आ जाना ठीक है देन यहाँ पे आपको सर्च कर लेना सिंपली फ्री फायर हेडशॉट ऐप। तो यहाँ पर आपको चार नंबर पे एप्लीकेशन दिख रहा होगा मैक्रो MSI। तो गाइस सबको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो कुछ भी जो एसएनसी मैक्रो वाला जो एप्लीकेशन होता है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है एंड वो काम करता है। थोड़ा बहुत कुछ दिन के बाद डाउन हो जाता है लेकिन 5-6 दिन आराम से आपका काम करेगा उसके बाद से आपको ये वाला फिर से रिस्टार्ट कर लेना है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर इसे आपको ओपन कर लेना है देन यहाँ पर इसे आपका जो कुछ भी सेटिंग आएगा मैं पूरा दिखा दूंगा तो आपको पूरा वीडियो देखना है। सबसे पहले ऊपर वाला ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर टैप करना है। ठीक है उस पर टैप करने के बाद आपका जो मेन पेज खुल जाएगा वहाँ पर जो भी सेटिंग बताऊंगा ध्यान से देख के पूरा सेटिंग वही करना। सबसे पहले यहाँ DPI का ऑप्शन है तो इस पर आप टैप करके 500 DPI लगा देना। अगर आपका जैसी 2 GB से 4 GB रैम तक है तो 500 DPI लगाना ज़्यादा मत करना। अगर आपका 8 GB 6 GB है तो यहाँ पर इसे आप 450 रखना। फिर यहाँ पर आपको जो नीचे टैक्टिल का ऑप्शन दिख रहा है इसको पूरा हाई कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे एंटी लैग एंटी बग दिख रहा है देखो गाइस अगर आपका डिवाइस लैग होता है ना गेम खेलने का टाइम तो जरूर से जरूर ऑन कर लेना। और एंटी बग अगर आप हेडशॉट मारते हो फिर भी आपका हेडशॉट मतलब जो दिखाता है रेड नंबर आता है लेकिन किल नहीं आता तो आप यहाँ पर इसे एंटी बग का ऑप्शन पे क्लिक करके ऑन कर देना आपका वो सब ग्लिच जो है बहुत हद तक जो है काम कर जाएगा आपका प्रॉब्लम सब नहीं दिखेगा। ठीक है उसके बाद यहाँ नीचे ग्लोबल स्पीड जो दिख रहा है इसको भी टैप करके फिल कर देना आपका ग्लोबल स्पीड भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे GFX टूल दिख रहा है गाइस इसको तो जरूर से ऑन करना क्योंकि जो आपका डिवाइस पे GFX टूल बहुत ज़्यादा वर्क करता है। देन यहाँ पर जो पिन ऑप्शन दिख रहा है ना इसको हाई पिन वाला तो इसको भी ऑन कर देना आपका अगर डिवाइस में पिन प्रॉब्लम होता तो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो दिख रहा है ना जनरल रेड डॉट इसको देख लेना इसको पूरा ऑन कर देना जो भी सेंसिटिविटी है पूरा ऑन कर देना। और हाँ इस वीडियो पूरा देखना खुद से सेटिंग करने का ट्राई मत करना क्योंकि अभी फ्री फायर बैन है तो मैं आपको पूरा जो लास्ट में एप्लीकेशन को इसे रन करवाना है वो प्रोसेस भी बताऊंगा। ठीक है देन यहाँ पर आपका बूस्टर पे टैप करना या फिर नो पे टैप करना तो ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपका डिवाइस का रैम वगैरह सब दिख जाएगा तो अपना डिवाइस का रैम आपको सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले जो भी आपका डिवाइस का रैम है तो वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरा 8 GB रैम है तो मैं 8 GB सिलेक्ट करूँगा तो आपका डिवाइस का जो भी रैम होगा तो आप सिलेक्ट कर लेना ये वाला ऑप्शन। ठीक है उसके बाद गाइस यहाँ पर ऑटो हेडशॉट 90 FPS ये दोनों को टिक कर लेना है। देन यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा GFX टूल बूस्टर उसके बाद यहाँ नीचे दिखेगा टूल एंड यहाँ पर लेस रिकॉयलिंग और यहाँ पर जो है चेक बूस्टर या कुछ है सबको आपको ऑन कर लेना है। जो भी आपका जो रिकॉयलिंग वगैरह मारता है तो थोड़ा बहुत यहाँ से कम हो जाएगा। तो पूरा सेटिंग होने के बाद अभी गेम को आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन गेम पे टैप करोगे तो आपका गेम ओपन नहीं होगा तो अभी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको गेम को ओपन करना है। तो ये वाला सेटिंग को ऐसे ही रहने देना है आपको जो अपना बैकग्राउंड से फ्री फायर को ऑन करना है कैसे करना है मैं आपको बता के दिखाता हूँ देख लो। ठीक है सो इस वाला एप्लीकेशन का सेटिंग हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट मेनू पर आ जाना है यहाँ से आपको फ्री फायर को ओपन करना है। ठीक है एला आपका ओपन रहेगा ऐसे फ्री फायर आपको आर एक बार वाला गेम पे जाना है मतलब वाला एप्लीकेशन पे जाना है। देखो इस वाला सेटिंग पे आना है देखो आपको पूरा सेटिंग सेम ऐसी रखना है फिर यहाँ से आपको रिसेंट से जो है फ्री फायर को ओपन करना है। वाला सेटिंग को ऐसी बैकग्राउंड में चलने देना है और आपको गेम ऐसी ओपन करना है तभी जाके वाला एप्लीकेशन आपका काम करने लग जाएगा। ठीक है तो यही था ट्रिक गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। अगर आपको वो हेडशॉट ट्रिक वाला वीडियो चाहिए तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर वीडियो शो कर रहा है उस पर टैप करके देख लो आपको ट्रिक पता चल जाएगा कैसे मारा जाता है। तो बाय बाय गाइस।